1,97,000 आज का बिल्डिंग जो बनेगा, निश्चित रूप से आपका कसौटी पर कसा होगा और अच्छा बिल्डिंग बनेगा, उसकी भविष्य होगा और उसमें बच्चे पढ़ेंगे। जैसा कि बताया है कि 16 कमरा का बिल्डिंग होगा। एनडीए का सरकार, हम गांव की तरफ चल रहे हैं, गांव का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, तब आपका प्रखंड का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। पास हम करवाए हैं तो हम इसको देख रेख करेंगे और ये निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता पर किसी तरह का कोई समझौता किसी को नहीं होगा और न ठेकेदार करेंगे, न यहाँ की जनता करेगा, न हम लोग करेंगे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नाम हम बनीराज, अपने सभी देखता नहीं अपन भोजपुरी चैनल झलको चंपारण। झलको चंपारण चैनल के अगर अपने सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करी और घंटी के चिन्ह पर जरूर दबाई। स्कूल में जोन की बा विद्यालय के काफी जोन की बा बच्चा सबके परेशानी हो रहा बा, कहीं पर भी जोन की बा विद्यालय के बढ़िया प्रकार से सुविधा लेके आज गोविंदगंज के वर्तमान विधायक श्री सुनील मणि तिवारी जी के द्वारा उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय नौवा डीह में 1,97,00,000 के जोन की बा योजना से यहाँ पर भवन बनी, जमुना भवन में कुल 16 रूम के जोन की बा व्यवस्था हुई। ये स्कूल में जोन की बा पहले विद्यालय जोन की बा खुले रहे यहीं के स्थानीय एक जनता के द्वारा जोन की विद्यालय के जमीन देवे के काम भइल और वहाँ पर जोन की विद्यालय चालू भइल और विद्यालय में धीरे धीरे प्रोग्रेस भइल। आज सुनील मणि तिवारी जी के द्वारा जोन की भाई विद्यालय के भव्य जोन की बा 3 छती विद्यालय के निर्माण होके वाला बा, जमुना से यहाँ के तमाम जनता जोन की बा खुश बा और जनता के चेहरा पर जोन की भाई खुशी का माहौल दिखाई दे रहा। शिलान्यास कार्य करते हुए, उद्घाटन कार्य करते हुए और मात्र 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर में जोन की बा ये विद्यालय के बना करके खड़ा करे के बा। हमारे जीतने के बाद हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि हमारा जो उत्क्रमित हाई स्कूल है हर पंचायत में वो भविष्य में कॉलेज भी बने। उसके लिए हम विधानसभा में क्वेश्चन किए और वहां से जैसे जैसे पंचायत वाइज फंड मिल रहा है वैसे वैसे वो पटने से उसका टेंडर होता है और सौभाग्य की बात है कि जो स्टैंडर लिए हैं इनको माला यहाँ का लोग को पहनाया था लेकिन आज इन्होंने इतने लोगों को माला पहनाया है, इसके लिए हम उनको साधो बात देते हैं कि कम से कम एक साथ इतने लोगों को माला पहनाए और अपने आप को उन्होंने ये बात निश्चित समझेंगे कि हम इतने लोगों को, हम लोगों ने तो एक उनको माला पहनाया था लेकिन आज उन्होंने इतने लोगों को माला पहनाया, इसलिए हम साधो बात देते हैं और हम आपको आशा विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से आप एक ऐसे परिवार से आए हुए हैं और अच्छे परिवार से आपका संबंध है जो हम लोग गार्जियन भी है, तो 1,97,00,000 का बिल्डिंग जो बनेगा निश्चित रूप से आपका कसौटी पर कसा होगा और अच्छा बिल्डिंग बनेगा, उसकी भविष्य होगा और उसमें बच्चे पढ़ेंगे। जैसा कि बताया है कि 16 कमरा का बिल्डिंग होगा, 2 छत या 3 छत, 3 छत का बिल्डिंग होगा और 16 कमरा होगा। हमारे इस देहात के जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब मिडिल अपर प्राइमरी से मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और भविष्य में ये कॉलेज बनेगा तो कॉलेज से भी पास करके यहाँ से निकलेंगे। ऐसा हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि अब ये निश्चित रूप से ये जो भव्य बिल्डिंग बन जाएगा इसकी चारद्वारी भी होगा और यहाँ पर आने वाले दिन में जब ये बिल्डिंग बनेगा तो एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पर बन जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी मैट्रिक का इंटर का जो दूर दराज होता है के यहीं पर होगा, क्योंकि गांव गलियारों में जो समाज है तो हमारा सरकार एनडीए का सरकार, हम गांव की तरफ चल रहे हैं, गांव का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, तब आपका प्रखंड का उत्थान होगा और देश का उत्थान होगा और राष्ट्र का उत्थान होगा।
जितना बड़ा जोन की भाई फील्ड बा एमे जोन की बा एक साइड में एक कोना पर जोन की बा विद्यालय के निर्माण करे के कार्य जोन की बा कल जाई। और राजकीय मध्य विद्यालय नौगा डी प्रखंड पहाड़पुर पूर्वी चंपारण गोबीजगंज विधानसभा क्षेत्र बा। और यहीं पर जोन की बा ओ 16 रूम वाला जोन की बा बिल्डिंग तैयार हुई जौना में यहाँ के बच्चा सब जोन की बा शिक्षा लिहन। और यहाँ पर तमाम व्यवस्था जोन की बा यहाँ के विधायक सुनील मणि तिवारी जी के द्वारा बतावल जा रहा बा भाषण के माध्यम से कि तमाम सुविधा जोन की बा यहाँ पर उपलब्ध रही और तमाम कार्य जोन की बा यहाँ पर हुई। देखिए ये बिल्डिंग 1,97,00,000 से तीन छत्ती बनेगा जिसमें 16 कमरा होगा और ये जब प्रारंभ होगा उसके तिथि से 1 साल के अंदर इसको बना करके हैंडओवर कर देना है। पटना से इसको टेंडर हुआ है और इसके गाइडलाइन पटने करेंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ के विधायक हैं पास हम करवाए हैं तो हम इसको देख रेख करेंगे और ये निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता पर किसी तरह का कोई समझौता किसी को नहीं होगा और न ठेकेदार करेंगे न यहाँ की जनता करेगा न हम लोग करेंगे। सरकार बनने के बाद गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सा काम हुआ? देखिए सरकार बनने के बाद अब तो कोरोना हुआ तो हम लोग तो कोरोना में ही सेवा में लग गए। आपके जब हमारे जब शपथ ग्रहण किए और जब हमें विधानसभा समाप्त हुआ तो हम तो पूरे पहाड़ खास करके पहाड़पुर में उत्तरी नोनिया दक्षिण नोनिया सिसवा आपका तेजपुरवा ये इतना ना कोरोना से प्रभावित था कि हम उसी में सेवा में लगे रहे। हम लोग के पास जो वैक्सीन दिवाना था लोगों को वो वैक्सीन दिवाएं और वैक्सीन दिवाने की सेवा कार्य हम करते हैं। अब विकास की गति फिर आने वाला है तब तक तो फिर कोरोना आ गया है, लेकिन अब हमारा RWD का 16 को रोड गया है और इसी महीना में रोड का टेंडर होगा और वह पहाड़पुर में 7 रोड है और 9 रोड है 3 रोड है आपका अथी में संग्रामपुर 3 पंचायत में तो 7, 3, 10 और 6 रोड है अरेराज में। ये बनेगा और इसी महीना के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक उसका टेंडर होगा। अच्छा ये गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी जो पंचायत है नदी तट पे किनारे हैं, लाश वोश जलाने के लिए लोगों को काफ़ी असुविधा की खेद होती है, तो उसके लिए क्या आपका प्रावधान? देखिए जैसे कि यहाँ पर विद्युत सहग्रह सौगृह ये बन नहीं सकता है क्योंकि नदी कभी इधर आता है कभी उधर जाता है तो ये संभव नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग बनवाने के सोच रहे हैं। लेकिन विद्युत सौगृह नहीं होगा, मुक्ति धाम बनेगा। मुक्ति धाम जो चबूतरा पर बनता है सेट नुमा वह बनेगा। और जब अगर ये हम लोग मांग किए हैं गोविंदगंज के घाट के लिए अगर ये बन जाता है तो जहाँ पुल बनता है वहाँ पर नदी दोनों तरफ से समान रहेगा और उसी जगह सौदागिरी बनेगा विद्युत कि जहाँ पर नदी में उसको प्रवाह करके नदी में दहवा दिया जाए। लेकिन वह नहीं अगर संभव है तो नदी के किनारे बांध के किनारे हम निश्चित रूप से माने अपने गोविंदगंज विधानसभा में 5-6 जगह आपका मुक्ति धाम बनवाएंगे और उसी पर उसका सौदागिरी के रूप में काम होगा। हमारी सरकार अगर श्मशान भी घरवाती है तो श्मशान भी घरवाती है, ऐसी बात नहीं है कि श्मशान घराएगा श्मशान नहीं घराएगा। हमने उसको भी लिख करके दिया है। और ये बात भी जान लीजिए कि राम जानकी मठ जहाँ जहाँ भी है उसकी भी चहरद्वारी हो रहा है और उसका पहला उदाहरण पहला आपका आपका अरेराज मंदिर है जिसका माने टेंडर हुआ और वह माने बन रहा है। ठीक है उसमें काम ठेकेदार गलत किया उसमें जाँच बैठा हुआ है ये अलग बात है, लेकिन वह पास हुआ है। और आपको बता दें कि आपका कोटवा के नज़दीक कौन थी बा हाँ लखनीपुर राम जानकी मठ पकड़िया राम जानकी मठ ये दो जगह पास हो गया है जहाँ मठ की घेराबंदी होगा। और लगभग 6 श्मशान घाट का भी माने आपका हुआ है और आपका कब्रिस्तान का भी 4 बन नहीं रहा है। टेंडर एगो का हुआ है, एक टेंडर हुआ है आपी का ब्लॉक का है और बाकी 6 टेंडर में है श्मशान और कब्रिस्तान दोनों टेंडर होगा। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के एक चटिया बढ़ाड़वा पंचायत है और तमाम गांवों का जो कि बांध जो चंपारण तटबंधन है उसको बढ़िया तरीका से बनाया गया है, लेकिन चटिया बढ़ाड़वा पंचायत का जो बांध है उसका जर्जर स्थिति है, इसके विषय में आपका क्या सोचना है? देखिए चटिया बढ़ाड़वा जो पंचायत में जर्जर स्थिति है तो आपको अभी जो टेंडर हुआ है जो हम लिख करके दिए थे वह आपका पिपरा से सरया पिपरा से गोविंदगंज तक का बांध का फिर मरम्मती हो रहा है और आने वाले दिन में जो आपका चटिया चिंतामनपुर से लेकर के मलाही आगे बढ़ते हैं वहाँ तक इसकी भरवलिया तक बांध के लिए हम लिखे हुए हैं, इसके सेकंड टर्म में उसका भी मरम्मती कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने लोग इस चैनल पर बने रहे और चैनल पर अगर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी के चिन्ह पर जरूर दबाई और न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।
जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।